सो ये सब्जेक्ट आपके पास होता है जब आप बी सी ए कर रहे हैं या बी टेक कर रहे हैं इन एनी ऑफ द सेमेस्टर डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी आप कहाँ से पढ़ रहे हैं बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड दार्डवेयर एंड हाउ योर बुलियन लॉजिक्स वर्क इन दम्प्यूटर सो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि के मैप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इन बुलियन एल इससे हम क्या करते हैं हम सिंपलीफाई करते हैं बोलियन एक्सप्रेशन को सो so, एक तरीका हमने देखा था कि बुलियन एक्सप्रेशन को सिम्पलीफाई करने के लिए हम बुलियन लॉज एंड आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं एंड सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव इज वी कैन सॉल्व इट विद हेल्प ऑफ के मैप्स अब के मैप्स क्या होते हैं सो के मैप्स बेसिकली टू थ्री फोर वेरिएबल्स के लिए बनाए जा सकते हैं और इसके थ्रू हम बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि सिम्प्लीफाई अ बोलियन एक्सप्रेशन तो उस केस में वो बुलियन एक्सप्रेशन आपको इस तरीके से नहीं लिख के दी जाती कि आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड ऐसे फॉर्मेट में नहीं दी जाती ठीक है वहाँ पे जो आपका फॉर्मेट है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में दी जाती है ना व्हाट डू वी मीन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म सो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है जहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल की वो पोजिशन्स बताई जाती हैं जिन पोजिशन्स में आपके पास वन आएगा सो वी हैव टू फॉर्म्स वन इज़ एस ओ पी फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड दन इज कॉल्ड पी ओ एस फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट इज़ वन फॉर्म जो कि ये बताता है कि वन किस किस जगह पर है और पी ओ एस फॉर्म होती है जो कि बताता है कि ज़ीरो किस किस जगह पर है फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई भी स्टेटमेंट uh, है जैसे कि एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड समथिंग लाइक दैट तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि किस पोजीशन पे वन आ रहा है तो पोजीशन पे वन कब आएगा जब एक्स जीरो होगा वाई वन होगा जेड वन होगा एक्स वन होगा वाई जीरो होगा जेड वन होगा तो कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट्स जीरो एंड द नॉर्मल वेरिएबल अ वन मतलब थ्री और फाइव पे ट्रुथ टेबल में वन आएगा और बाकी जगह पर जीरो आएगा अब आप ये सोचोगे मैम ने ये कैसे लिख लिया बेटा ये तो एक्सपीरियंस है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ आएगा पर मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में तीनों वेरिएबल्स इंक्लूडेड होते हैं मतलब आप एक्स वाई प्लस जेड लिखोगे तो दिस इज नॉट द ट्रू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ट्रू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मीन्स उसमें तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए जहाँ जहाँ पे आपके पास वन आता है जैसे कि अगर ये एक्स वाई प्लस जेड है अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बना लूँ तो एक्स की हमारे पास चार वैल्यूज और चार वैल्यूज वन होंगी दो वैल्यूज दो वैल्यूज वन होंगे जीरो वन जीरो वन जीरो अब आप एक्स एंड वाई निकालोगे तो दैट विल बी जीरो एंड जीरो जीरो एंड जीरो जीरो एंड वन जीरो यहाँ पर दोनों जगह पर वन आएगा इसके साथ हम प्लस z कर देंगे सो ये आ जाएगा ज़ीरो फिर वन फिर ज़ीरो फिर वन फिर ज़ीरो फिर वन फिर वन फिर वन सो so, ये मेरे पास रिजल्ट आया ठीक so, like so, है सो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस तो ये रिज़ल्ट है एक्स वाई प्लस जेड अब इसमें अगर आप देखो तो आपके पास वन किस किस जगह पर आ रहा है आपके पास वन आ रहा है इधर, इधर 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 तो ये जो है ये क्या बन रहा है ज़ीरो ज़ीरो वन जीरो वन वन एंड वी हैव दीज तो जीरो जीरो वन मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड क्योंकि ये वन है ये जीरो है ये वन है प्लस एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई जेड तो ये इसका एक्चुअल सम ऑफ प्रोडक्ट्स है तो ये इंडिविजुअल टर्म्स में प्रोडक्ट्स है बीच में प्लस कर रहे हैं दैट्स वाई इट इज प्रोडक्ट्स। और ये है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लेकिन जब आपको के मैप्स में सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या बताया जाएगा कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा वॉट वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सेवन क्योंकि ये पोजीशन मेरे पास कैसे होती हैं ऐसे

सो so, ये जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि सिंपलीफाइड दिस एक्सप्रेशन इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जेड वेरिएबल को अगर हम यूज कर रहे हैं तो जो फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेशन का आ रहा है इस इस पोजिशन पर वहां पर वन रहा होगा सो so, ये तो है क्वेश्चन अब इसको सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व करते हैं वन थ्री फाइव सिक्स सेवन लिया ना हमने यहाँ पे सो क्वेश्चन दिया जाता है एफ एक्स वाई जेड वन थ्री फाइव सिक्स सेवन मैं आपको और एग्जाम्पल्स लेके भी दिखाऊंगी बट मान लो ये लेके चलते हैं तो अब के मैप क्या होता है के मैप में होते हैं बॉक्सेस इट इज जितने वेरिएबल्स हैं रेस टू दी दू रेस टू दी दार दैट इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस तो तीन वेरिएबल्स हैं तो आठ बॉक्स बनेंगे तो हम क्या करेंगे किसी भी एक साइड पे आप इसको ऐसे ले सकते हो दो और एक साइड पे चार अभी आप चाहे इसको वर्टिकली दो ले लो हॉरिजॉन्टली चार ले लो या ऑपोजिट ले लो मैंने ऐसे लिया है सो आई एम गोइंग टू टेक एक्स एंड एक्स एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट हेयर

लेकिन ध्यान से सुनना के मैप्स में ये रूल है कि एक कॉलम या रो को स्विच करने पे हम दो वैल्यूज का कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो अगर मैं यहां पर वाई जेड कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि वाई का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया और जेड का भी हो गया तो वो तो नहीं कर सकते दोनों को चेंज नहीं कर सकते अगर ये वाई कॉम्प्लीमेंट जेड है तो मेरे पास या तो मैं वाई का कॉम्प्लीमेंट हटा दूँ या मैं जेड पे लगा दूँ दोनों में से एक काम कर सकते हैं तो दो लगाएंगे फिर तो, तो सेम ही चीज आ जाएगी तो मैं दोनों का मतलब वाई का रिमूव कर देती हूँ सो वाई कॉम्प्लीमेंट की जगह पर वाई हो गया जेड वाली जगह पर जेड रहा है तो so, मैंने एक ही कॉम्प्लीमेंट किया एक ही बिट को कॉम्प्लीमेंट किया और अब बचा क्या था वाई जेड कॉम्प्लीमेंट सो एज पर दैट ये पोजिशन हमारी क्या बनेंगी अगर मैं इसको जीरो ले लूँ इसको वन ले लूँ ये जीरो जीरो है ये जीरो वन है यहाँ पर वन वन पहले आ गया है और वन जीरो बाद में है सो नंबर्स वाइज अगर हम देखें तो ये पोजिशन बनती है जीरो ये बनती है वाह वन सिंस ये स्विच हो गया है तो टू इधर है थ्री इधर है फोर फाइव ये स्विच हो गए हैं इसलिए सिक्स इधर है सेवन इधर है ठीक है ये पोजिशन हमेशा सेम रहेगी इसमें कोई चेंज नहीं होगा ये आपको चाहे आप याद कर लो कि थ्री वेरिएबल्स का के मैप अगर हम बना रहे हैं सो थ्री वेरिएबल्स के के मैप में ये चीज़ फिक्स्ड है कि ये पोजिशन जीरो है ये वन है ये टू ये थ्री फोर फाइव ये सिक्स ये सेवन अब क्या करना है अब नेक्स्ट स्टेप है कि जहां जहां पर आपको ये पोजिशन लिखी हुई हैं उनमें वन लिख लो तो यहां पर है वन यहां पर है वन यहां पर भी वन है यहां पर भी वन है और यहां पर भी वन है तो जिस जिस जगह पर वन आना था मैंने लिख लिया चलो ये तो हो गया वन वाला काम तो हमने कर लिया अब आती है बारी वॉट नेक्स्ट अब आपको इन वास् के ग्रुप्स बनाने हैं ध्यान रखेंगे एडजेसेंट के ग्रुप बनेंगे एडज के ग्रुप बनेंगे और वो ग्रुप हमेशा टू की पावर में होंगे मतलब दो वन हो सकते हैं चार हो सकते हैं छ नहीं हो सकते तीन नहीं हो सकते आठ हो सकते हैं सो so, जो भी नंबर ऑफ होंगे ग्रुप में दैट मस्ट बी अ पावर ऑफ टू अदरवाइज हम वो ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते सो so, मैंने क्या किया ये सीधा सीधा ये तो जैकपॉट होता है आपके चार एक एक साथ मिल जाए तो तो so, ये चार का ग्रुप बन गया एक सीधा ही ठीक है सो दिस इज वन ग्रुप अब बचा क्या ये वन अब इस वन को तो ग्रुप बनाना है तो हम वंस को रीयूज कर सकते हैं और जितना बड़ा पॉसिबल हो उतना बड़ा ग्रुप बनाते हैं तो इस वन के साथ अगर मैं ये दोनों वन ले तो 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 तीन बनते हैं तो तो ग्रुप नहीं बनेगा लेकिन इसको करके दो ग्रुप बन जाएंगे तो एक ये चार वंस का बन गया और एक ये दो वंस का बन गया सो तो ये दो ग्रुप मेरे क्रिएट हो गए ठीक है तो सबसे पहला स्टेप के मैप को ड्रॉ करो के मैप ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना है कि लास्ट की पोजिशन स्वाप होंगी आफ्टर दैट वन को प्लेस करो फिर अपने ग्रुप्स बना लो बड़े से बड़े ग्रुप बनाने हैं वन को रीयूज कर सकते हैं टू कवर ऑल द इन दी बॉक्स तो सारे के सारे अब कवर्ड है अब क्या काम करना है अब आप लिखो पोजिशन ग्रुप वन की पोजिशन क्या है दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड तो मैं ये पोजिशन यहाँ पे लिख लेती हूँ ठीक है ये एक्स कॉम्प्लीमेंट में है वाई कॉम्प्लीमेंट जेड अगला वाला जो वन है वो किस पे है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड पे फिर ये वाला जो है दिस इज एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और फिर ये एक्स ठीक है अब ये एक ग्रुप हो गया ग्रुप टू ले लो ग्रुप टू में ये दो ही वन है पहला है एक्स वाई जेड पे और दूसरा है एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट पे ठीक है अब क्या करना है अब बहुत सिंपल सी चीज़ है देखो जिस लाइन में आपके पास कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल दोनों हैं उसको कैंसिल कर दोगे क्योंकि हमें पता है एक्स इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इज जीरो तो यहाँ दो कॉम्प्लीमेंट हैं दो नॉर्मल हैं कैंसिल हो गए सो so, एक एक के साथ कैंसिल हो गया ये इसके साथ कैंसिल हो गया ये इसके साथ ये इसके साथ ये जेड सारा का सारा सेम है तो एक्स प्लस एक्स इज एक्स एक्स इंटू एक्स इज ऑल्सो एक्स तो जेड को जेड से मल्टीप्लाई करो तो भी जेड आता है जेड में जेड प्लस करो तो भी जेड ही आता है तो यहाँ पर आपके पास जेड आ जाएगा फिर यहाँ पर जेड और जेड कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे बचेगा क्या x और y क्योंकि वो सेम है सो so, ये आपके पास टर्म्स आ गई इसको अब आप दोनों में से पहले किसी को भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपकी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी एक्स वाई प्लस यही मैंने आपको दिखाया था जो हमने पिछली स्क्रीन पे जो बनाई थी एक्सप्रेशन पूरी वो एक्स वाई प्लस जेड के लिए बनाई थी ना तो अब आप देखो अगर हमें उल्टा क्वेश्चन दिया होता वो तो मैंने आपको एक्सप्रेशन से बड़ा फॉर्म बताया था कैसे निकालते हैं कि अगर नॉर्मल एक्सप्रेशन दिया उससे एसओपी कैसे निकालेंगे बट ये जो आपके पास है यहाँ पर आपको एस दिया हुआ था मतलब ये बताया हुआ था हमें कि ये एस फॉर्मेट है अब इसमें से सिम्प्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालो तो ये आपकी आई सिम्प्लीफाइड एक्सप्रेशन दैट इज एक्स वाई प्लस जेड ये एक बारी में आपको डिफिकल्ट लग सकता है पर मैं आपको इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगी ताकि आपको ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे आपको समझ आए कि ये क्या हो रहा है इस वीडियो को चाहे एक बार दोबारा से देखना और अपने साथ साथ पेपर पे सॉल्व करना देखना मैम ने क्या लिखा है किस तरीके से मैम ने सॉल्व किया है तो आपको समझ आएगा